इसराइल की जनता ने शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए संघर्ष करते हुए सभा के पक्ष में मतदान किया और जिस तरीके से प्रशासन ने दुरुपयोग किया सत्ता का और लगातार हमारे लोगों को परेशान किया, उसके बावजूद भी हमारे साथी कार्यकर्ता और यहाँ की जनता ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया और हमें उम्मीद है कि अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, वो पूरे देश जानता है, चुनाव के दिन के वीडियो सारे वायरल हुए सोशल मीडिया पे और जिस तरीके से कुंदरकी में मीरापुर में पुलिस ने चुनाव लड़ा भाजपा की तरफ से, वो सबने देखा है और सब लोग जानते हैं। क्या लगता है कि कितना मार्जिन से आपकी? अब देखिए, अच्छा मार्जिन रहेगा और अभी तो लगभग एक तिहाई मत जो है जोड़े गए हैं और लगभग 17,000 कुछ वोटों से हम लोग अभी आगे हैं और मुझे उम्मीद है अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। 9 सीटों में कितनी है आपके पास आने वाली है? अभी देखिए, बहुत जो सीटें जहाँ पीछे हम लोग चल रहे हैं बहुत कम मार्जिन है, 3-3, 4-4 हजार वोटों से पीछे हैं और अच्छा परिणाम जो है मुझे लगता है बहुमत में समाजवादी पार्टी सीटें जीत। समाजवादी विचारों के हैं और हमेशा शासन और प्रशासन ने जिस तरीके से चुनाव के दिन जो टांडव मचाया और भाजपा के लोग खुलेआम बूथों को लूटते नजर आए, उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आए और हमने लगातार शिकायत भी दर्ज कराई, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और जहां समाजवादी पार्टी के गांव थे जहां हमारे वोटर लगे हुए लाइन में, वहां जाकर लाठीचार्ज किया गया, वोटरों को धमकाया गया, पुलिस ने कई गांव ऐसे थे जहां गांव में घुस के लाठीचार्ज किया, लोगों को घरों के अंदर कर दिया गया। लेकिन यहां के लोगों ने बहुत ही संघर्ष के साथ चुनाव लड़ा, हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं जनता ने पूरा समर्थन किया, मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। आप भी काफी बड़ा बना है, वो 3 सीटें ऐसी हैं, खासकर सीसा मऊ सीट जो जहां पर काफी बवाल हुआ वहां पर नसीम सोलंकी जो है लगातार बहुत बढ़ाए हुए, क्या लगता है पूरे जनता का जो रुख है वो समाजवादी पार्टी की तरफ था। आपने देखा कई सड़कें काट दी गई, बैरिगेड लगाए गए, लोगों को घरों से निकलने से रोका गया, जितना लोकतंत्र का हरण कर सकते थे भाजपा ने किया और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने उस चीज को देखा और दुख की बात यह है कि उसके बाद भी कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई और अगर इसी तरीके से होता रहा तो लोगों का जो लोकतंत्र में विश्वास है वो उठ जाएगा। इस तरीके से बाय इलेक्शन में तमाम चीजें हो रही थी, अब लगभग 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, खासकर करहल लगातार आगे चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, तीन ही नहीं, अभी हम लोग और जीतेंगे। करहल तो जीतना ही था, करहल तो केवल मार्जिन काउंट होना था कि कितने वोटों से जीते हैं। करहल में कोई जीत पे कभी चर्चा समाजवादियों के दिल दिमाग में तो कभी आई भी नहीं और मैं समझता हूँ आगे भी अभी हमारी 3 से भी ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत रही हैं और जीते तो हम 100% 9 की 9। लेकिन जिस तरह से तांडव किया, बेईमानी की, पुलिस का उपयोग हुआ, लोगों को वोट नहीं डालने के, कुदरकी में कम से कम 50,000 वोट ऐसा जो वोटरों को डालने ही नहीं दिया गया, तो मीरापुर के विजुअल्स पूरे देश ने देखे, तो इस तरह के तांडव के बाद भी हम लोग बड़े वोटों से जीत रहे हैं। नहीं, वो जीतेंगे, बड़े वोटों जीतेंगे, उनके साथ जो अन्याय हुआ वो कानपुर की जनता उनको न्याय दे रही है, उनके साथ जो अन्याय हुआ कानपुर की जनता का सहानुभूत आशीर्वाद हमारे उम्मीदवार को है। झारखंड ऐतिहासिक वोटों से सोरेन साहब जीती रहे और हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र भी जीतेंगे।